छत्तीसगढ़ में राजिम को श्रद्धा आस्था अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र। राजिम माघी पुन्नी मेला का समापन पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाशिवरात्रि की बधाई दी। सीएम ने 35 करोड़ की लागत के लक्ष्मण झूले का लोकार्पण किया। राजीव लोचन मंदिर पहुंचकर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। यह छत्तीसगढ़ के लोगों की आस्था श्रद्धा संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मेले को एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने इस मेला को पूरी तरह से राजनीतिक स्वरूप दे दिया था, जिसे बदलकर हमने हमारे पुरखाओं की परंपरा के अनुरूप इसका स्वरूप निर्धारित किया है। उन्होंने नया मेला स्थल को विकसित करने में राशि की कोई कमी नहीं होने देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि नया मेला स्थल को ऐसे विकसित किया जाएगा जहां साल भर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो सके। गांव खुशहाल हो रहे हैं, खेती लाभ का धंधा बन रहा है। उन्होंने आने वाले विधानसभा सत्र में किसानों के लिए बड़ी घोषणा करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र को रूरल इंडस्ट्री पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। किसान अब खेती के साथ उद्योग धंधों को बढ़ावा देने में भी अहम योगदान निभाएंगे। खेती भी वैज्ञानिक पद्धति से की जाएगी। ग्रामीण युवाओं को गांव में ही रोजगार उपलब्ध होंगे। उन्होंने किसानों द्वारा बड़ी मात्रा में पैरा दान करने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि इससे न केवल गौ माताओं को चारा उपलब्ध हो रहा है, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ने से बचाया जा रहा है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मंगलमय जीवन की कामना की। उन्होंने बताया कि मेले में हर साल कुछ नया करते हैं। इस बार लक्ष्मण झूला एक बड़ी उपलब्धि रही। विधायक अमितेश शुक्ल ने गौधन न्याय योजना की तारीफ की। उन्होंने 15 दिन राज्य में शराबबंदी करने पर सीएम का आभार व्यक्त किया। धनेंद्र साहू ने लक्ष्मण झूले की सौगात को विकास का नया आयाम बताया है। उन्होंने कहा कि इससे श्रद्धालुओं को 12 महीने कुलेश्वरनाथ मंदिर के दर्शन संभव होंगे। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी मेले के भाजपाईकरण करने का आरोप लगाया है। बधाई या शुभकामना, सबकी मनोकामना पूरी हो, यही भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना। 16 फरवरी से माघी पुन्नी मेला की शुरुआत राजिम में और आज उसका समापन 1 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन हुआ है। पहली बार 2 साल कोरोना के कारण से वैसे भी सभी कार्यक्रम स्थगित थे, प्रतीकात्मक रूप से हो रहे थे। इस साल कोरोना समाप्त हुआ, कम हुआ है, तो सब लाखों की तादाद में राजिम में सब श्रद्धालु आए हैं और अनेक प्रकार के आयोजन धार्मिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं। मेला के भी लोग आनंद ले रहे हैं, सब लोग मेल मुलाकात। और ये झूला जो बना है वो हमारे लिए बड़ा ऐतिहासिक इसलिए भी है कि बरसात के दिनों में हम कुलेश्वर महादेव के दर्शन नहीं कर पाते थे। बाढ़ की स्थिति में तो जाने पुजारी के भी जाने में कई बार कठिनाई का सामना करना पड़ता था, कई बार पुजारी वहाँ घिर भी जाते थे। अब ये झूला बन जाने से न केवल पुजारी को बल्कि आम श्रद्धालुओं को वहाँ जाने का अवसर मिलेगा और पर्यटकों को भी आनंद लेने का अवसर मिलेगा। बहुत बधाई। 15 दिन जो शराबबंदी आपने की है यहाँ पर, उसकी काफ़ी प्रशंसा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? अमितेश शुक्ल जी लगातार मांग करते रहे और इस ये धार्मिक क्षेत्र है तो यहाँ शराब और मांस मदिरा विक्रय पे रोक लगा। पत्रकार सुरक्षा कानून कब लागू करेंगे, हम बहुत उम्मीद रखे हैं आपसे। बिल्कुल, उसके राजिम जिला कब बनेगा और माननीय अमितेश शुक्ला जी को मंत्रिमंडल में क्या मिलेगा? अब ये तो भविष्य गर्मी में, अब अमितेश जी कब बनेंगे, धनेंद्र जी कब बनेंगे, वो तो हाईकमान के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, उस पर डिपेंड। राहुल जी कुछ बढ़ाने